प्राइस बहुत अधिक होने से यहाँ और सीसीआई कितना कपास खरीदती है उस पर डिपेंड करता है। यदि एमएसपी पे सीसीआई कपास कम खरीदती है तो इंडिया में भी कॉटन का प्राइस इंटरनेशनल लेवल पे नीचे रह सकता है। एमएसपी अधिक होने से टेक्सटाइल मिलों को काफ़ी लॉस हो रहा है। यदि अगर गवर्नमेंट को एक सुझाव हम लोग दे रहे हैं कि अगर आप एमएसपी में माल लेने के बजाय फार्मर्स को डायरेक्ट सब्सिडी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इससे टेक्सटाइल मिल को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि कपास फिर मार्केट प्राइस से बेचेगा और टेक्सटाइल मिलें इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर सकेगी। तो इसके लिए हम लोगों का उनसे सुझाव चल रहा है। ऐसे ही इंडिया के जीनस के बारे में बोलना चाहता हूँ कि 7-8 सालों में कॉटन प्रोसेस में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। आज से जो 7-8 साल पहले जो कॉटन प्रोसेस होता था वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का होता था, अभी उसमें काफ़ी सुधार आया है। और इस मामले में मैंने देखा है कि महाराष्ट्र के खास करके जीनस ने भी प्रोसेस पे बहुत सुधार किया है, कंटामिनेशन में भी कमी आई है। बट अभी हमें पैकिंग में सुधार लाना ज़रूरत है, जो कि हमें कमी महसूस हो रही है। तो मेरा सब जीनस से ये बोलना है कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करके महाराष्ट्र के ब्रांड को भी बढ़ाया है, इंडिया के ब्रांड को बढ़ाया है, पर पैकिंग अगर सुधारते हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केट के कॉम्पिटिशन में टिक सकते हैं। तो ये मेरा आप सबसे सुझाव है कि पैकिंग के लिए ज़रूर इस पर कुछ सोचें और उसको सुधार लाया जाए। आज जो महाराष्ट्र का कॉटन है दूसरे स्टेट से हाई रेट पे बिकने लग गया है। आप देखा होगा 4-5 साल पहले महाराष्ट्र का कॉटन सबसे कम रेट में बिकता था उस, और आज देखा जाए तो दूसरे स्टेट से ऊँचे प्राइस पर बिक रहा है। उसके पीछे महाराष्ट्र के जिनों की मेहनत है, और मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह क्वालिटी मेंटेन रखें ताकि आप दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में और उससे ऊंचा कपास बेच सकें। अब मैं कुछ महाराष्ट्र जीनर्स एसोसिएशन के बारे में बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र कॉटन एसोसिएशन अध्यक्ष होने के नाते से, कि जैसे हमने 2 साल में काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलने में हमको सफलता मिली है। ये प्रयास हम 2 साल से कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने पहले कॉटन जीनिंग को अलग कर दिया था, टेक्सटाइल मिल को ही 2 रुपये देने का सुझाव था, पर बाद में एसोसिएशन के प्रयास द्वारा सब जीनर्स को 2 रुपये की सब्सिडी मिलना चालू हुई। इससे काफ़ी कुछ राहत जीनर्स को मिली है। इसी तरह हम लोग महाराष्ट्र में मंडी टैक्स कम करवाने के प्रयास में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से 3-4 बात मीटिंग भी है, उन्होंने मंडी टैक्स के लिए आश्वासन दिया है, और उन्होंने ये बाद में आखिरी में ये बताया है लास्ट मंथ में कि हम जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है डेफिनेटली महाराष्ट्र में मंडी टैक्स कम करेंगे। ऐसे ही हम लोग 2 साल से लास्ट ईयर हम तीन बार हम वहाँ भी गए थे आरसीएम कम करने के लिए, जो कि अभी कॉटन पे आरसीएम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इससे जीनस को काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कोई भी कैसे भी करके उसको आरसीएम तो ख़त्म नहीं करेंगे, पर जो 1 रुपये लग रहा है हम उसको 0.10 तक लाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि आरसीएम भी कम होगा। अब मैं जैसा कि नए सीजन के हिसाब से महाराष्ट्र कॉटन एसोसिएशन के नाते से बोलना चाहता हूँ कि जो कॉटन सीड सेल होता है अभी तक उसमें 21 दिन और 25 दिन की धारा रहती है, पर हमने एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर से जो भी कॉटन सीड सेल होगा वो 15 दिन की कंडीशन से होगा। 15 दिन के बाद अगर कोई 15 दिन से पहले अगर कोई पेमेंट देता है तो उसे 18% का कैश डिस्काउंट काट के आप उनसे पैसा पहले ले सकते हैं। और बारदान का जहाँ तक सवाल है, पहले हम लोग 14 रुपये बारदान से काटते थे, अभी इसके बाद नए सीजन से जो भी आदमी कॉटन सीड बेचेगा उसको 16 रुपये प्रति बारदान से बारदान का रेट लगाना पड़ेगा। तो ये सब डिसीजन हुआ है, और अभी हम महाराष्ट्र कॉटन एसोसिएशन में पहली बार एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें कॉटन से संबंधित पूरी रिपोर्ट रहेगी, अराइवल रहेगा, उसमें डेली रेट रहेंगे, और भी जो जो जानकारी होगी वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। इससे कॉटन ट्रेड को काफ़ी भला फायदा होगा। अंत में कॉटन से जुड़े सभी लोगों को नए वर्ष की मैं शुभकामना देता हूं, और सबके लिए लाभदायक हो ऐसी मैं कामना करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू श्री भूपेंद्र सिंह राजपाल हमें संबोधित करने के लिए। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री चंद्र कुमार एम मोहता, प्रेसिडेंट द महाराष्ट्र कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन, कि वो यहाँ पे आए और 2 शब्द कहें। आज के इस कॉन्फ्रेंस में पधारे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सम्माननीय अध्यक्ष श्री अतुल भाई गणात्रा,
कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी राजपाल, श्री विनय जी कोटक, श्री एस के शुक्ला जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री अनुपम जी कौशिक, महेश जी सारडा, संदीप जी पाटिल, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों का कॉटन नगरी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन को अपनी एसोसिएट बॉडी समझकर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का अर्थात होस्ट बनाकर यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम सीएआई के आभारी हैं। वैसे हमारी एसोसिएशन द्वारा ऑल इंडिया स्तर पर 3 कॉन्फ्रेंस आयोजित की हुई है। इससे पूर्व हमारी एसोसिएशन द्वारा अकोला में 3 कॉन्फ्रेंस पहले हो चुकी है। आज हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष प्राय सभी क्षेत्रों में संतोषजनक वर्षा हुई, फलस्वरूप इस सीजन में अच्छी कृषि उपज आने की संकेत है। सोयाबीन में प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है। कपास की फसल भी अच्छी है। अनुमान है इस वर्ष महाराष्ट्र में 90 लाख से 1 करोड़ गांठ उत्पादन होगा। साथ ही क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ फुल्ली मैच्योर्ड कॉटन का उत्पादन संभव है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान परिस्थितियों को हमारे व्यापार में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर मेरा व्यक्त करता हूँ। आज हमारे व्यवसाय में रुई का स्टॉक करने की नई नीति शुरू हो गई है, जिसका व्यापार को नुकसान हो रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि सुबह कपास खरीदो और रात में रुई और सरकी दोनों बेच दो। हाजिर रुई के व्यापार करने वालों को सट्टा नहीं करना चाहिए, परंतु आज हम देख रहे हैं कि MCX और इंटरनेशनल रेट देखकर व्यापार करने लगा है। हमारा व्यापार ये बेसिक रेट तथा हेजिंग का पता लगाने का है, ना कि व्यापार करने के लिए। इसीलिए एक दिन में बाजार में रेट ऊपर हो जाते हैं और एक ही दिन में नीचे हो जाते हैं। इससे खरीदना और बेचना दोनों में असुविधा होती है। यह सत्य है कि आज क्वालिटी यान की डिमांड डोमेस्टिक एक्सपोर्ट में अधिक हो रही है। अतः मैं सभी जीनर से निवेदन करना चाहता हूँ, कॉटन क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें, आपकी रुई बेचने में ज़्यादा कठिनाई न आवे। साथ ही माल बेचने के बाद क्वालिटी में कोई डिस्प्यूट निर्माण नहीं हो। अंत में पुनः कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अभिनंदन करना चाहता हूँ, हमें इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन का होस्ट बनाया। यहाँ सभी उपस्थित मान्यवरों को शुभ दीपावली की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्री चंद्र कुमार अहमोता आपकी स्पीच के लिए। अब मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि श्री सुरेश भाई कोटक इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हम सब के लिए अपनी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स भेजी हैं। उनका ये लेटर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सारों से, जो भी पीछे खड़े हुए हैं प्लीज़ आके सीट्स पर बैठ जाइए और थोड़ी सी शांति मेंटेन करिए प्लीज़। थैंक यू। Respected President Shri Atul Bhai Ganatra, I'm glad to send my heartiest greetings with a well-deserved congratulations, especially to you. The various upcountry conferences, which are now regularly held by the CAI under your able partnership, are really significant. It will prove great bonding and a ready platform for people to put across their views. My only request is that if these discussions and deliberations get a framework as a resolution at the conference and an agenda for the future to follow, I believe it will be give great salutary effect to cotton developments. I must specially mention about last year's a splendid Cotton India 2018 at Aurangabad, which was attended by more than 1,000 delegates from all over the country, which was really a landmark in the history of CAI.
Also, Grand National Conference in March earlier this year was just as praiseworthy with an invaluable attendance from all over the world. I would have attended this year's meeting at Arcola, which surely will be a great event, and these could also have given me an opportunity